हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम आकिब जावेद है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी कितने टाइप की होती है और प्लेसमेंट्स को किस तरह एडजस्ट किया था और प्लेसमेंट्स का ऑप्टिमाइजेशन किस लेवल पे हमारी जो कॉस्ट है उसको कम करने में हमारी मदद करती है या फिर हमारा जो PSR है उसको इम्प्रूव करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो वन बाय वन बिल्डिंग स्ट्रेटजी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद प्लेसमेंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अमेजोन पर PPC कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी जो है वो तीन तरह की होती है। पहली है डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, दूसरी है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, जो तीसरी है वो है डायनामिक्स बिड्स फिक्स बिड्स। ठीक है, अच्छा, अब जो डायनामिक बिड्स डाउन ओनली है ना, इसमें इस ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट करके अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं तो इस बिल्डिंग स्ट्रेटजी का क्या मतलब है। इस बिल्डिंग स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हम अमेजोन को बता रहे हैं कि अगर किसी भी ऐसी सिस्टम पे अगर मेरी जो कन्वर्जन रेट है वो बिल्कुल कम है, कि मतलब ऐसी सिस्टम जहाँ पे मुझे मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल होने के चांसेस बहुत कम है, तो अमेजोन क्या करेगा, वहां पे मेरी जो बिड है उसको लो कर देगा और मुझे वहां इंप्रेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, डायनामिक बिड डाउन ओनली, डाउन ओनली आपको नाम से पता चल रहा है ना, डाउन ओनली, कि अमेजोन क्या करेगा कि ऐसी सिस्टम्स जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बहुत कम है, तो अमेजोन वहां पे उस सिस्टम पे हमें इंप्रेशन ही नहीं दिलवाएगा, हमारी बिड लो कर देगा। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरी जो डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन है, इसमें अब क्या चीज है, इसमें यह है कि डायनामिक्स अप का मतलब यह है कि आप अमेजोन को बता रहे हो कि कुछ ऐसी सिस्टम्स हैं जिनकी जो बिड है वो मेरी लगाई हुई बिड से ज्यादा है, लेकिन अगर मैं अप एंड डाउन को सिलेक्ट करता हूँ तो उसका मतलब यह है कि जो मैंने बिड लगाई हुई है ना उसका 100% बढ़ाकर मुझे ऐसी सिस्टम पे दिखाओ जहाँ पे मेरे कन्वर्जन के रेशियो ज्यादा है, मेरे कन्वर्ट होने के सेल ज्यादा है। ठीक है, मेरी जो सेल आने के चांसेस वहां पे ज्यादा है, तो अमेज़न क्या करेगा, मेरी लगाई हुई बिड का 100% और मजीद बढ़ाकर मुझे इंप्रेशन दिलवाएगा, वो वहां पे मुझे क्लिक पड़ेगा, मुझे ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो यह डायनेमिक अप एंड जो डाउन है वो सेम ऊपर की तरह के डाउन कर देता है जहाँ पे आपके बिकने के चांसेस बहुत कम हो, बल्कि यहाँ पे तो लिखा भी होगा ना डायनेमिक डाउन ओनली में कि वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट अ सेल, कि हम आपकी बिड जो है उसको हम कम कर देंगे जब हमें महसूस हुआ कि आपकी वहां पे कन्वर्ट सेल में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, सेम एज चीज अगर हम आपकी बात करें तो वो कहते हैं हम आपकी जो बिड है वो 100% बढ़ा देंगे अगर वहां पे आपके कन्वर्ट सेल में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये दूसरी स्ट्रेटजी होगी। थर्ड वन स्ट्रेटजी जो है वो फिक्स बिड। अच्छा, जो डायनामिक बिड जो है ना अप एंड डाउन या डाउन ओनली, इन दोनों में अमेजोन की मर्जी चलती है, अमेजोन जहां दिखाए अमेजोन के जहाँ चलेगा, जहाँ पता अमेजोन को महसूस होगा कि वहाँ आपके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं तो वहाँ आपका ऐड दिखा देगा, जहाँ पे नहीं होंगे तो वहाँ पे नहीं दिखाएगा। जो थर्ड वन स्ट्रेटजी है ना बिडिंग स्ट्रेटजी, ये है फिक्स बिड, इसमें अमेजोन की मर्जी नहीं चलती, इसमें आपने जो बिड लगा दी ना, फर्ज कर आपने $1 एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे अपनी बिड लगा दी है, तो वहां पे आपको जितने इंप्रेशन मिलेंगे, जिन जिन सिस्टम पे आपको इंप्रेशन मिलेंगे वो मिलेंगे मिलेंगे, चाहे आपके कन्वर्जन के जो चांसेस है वो ज्यादा है या कम है, डजेंट मैटर, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये फिक्स बिड का ये है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि तीनों में से कौन सी बिड स्ट्रेटजी जो है ना वो बेहतरीन है। देखिए, जो बिडिंग स्ट्रेट देखिए PPC कैंपेन में जो भी स्ट्रेटजी होती है ना वो डिपेंड कर रही होती है नीश क्या है, नीश क्या हाईली कम्पिटिटिव है या लो कम्पिटिटिव है, फिर उसके बाद डिपेंड कर रहा होता है कि क्लाइंट का बजट कितना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्मूथली जाना चाहते हैं, चाहे हाईली कंपटीशन हो चाहे लो कंपटीशन हो, हम बिल्कुल स्मूथली जाने जाते हैं, तो और आप अपनी कॉस्ट को स्टार्टिंग से ही बस गुजारा लेके चलना चाहते हैं और नीचे नैरो डाउन आप करना चाहते हैं, तो हमेशा डायनेमिक डाउन ओनली चूज करें, सही है, फुल स्टॉप, अगर आप अपनी कॉस्ट को नीचे करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मेरे पास अभी बजट है मैं मजीद टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो फिर आप डायनेमिक अप एंड डाउन में चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फिक्स बिड को मैं सही से रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसी निशेज हैं जहाँ पे फिक्स हम लगाएं तो वहां पे भी बहुत अच्छे फायदे होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट सब कुछ क्लाइंट के बजट पे डिपेंड कर रहा होता है, अगर उसको खुला बजट तो आप फिक्स पे भी जा सकते हैं, आप अप एंड डाउन में भी जा सकते हैं, अगर क्लाइंट नॉर्मल सा है तो आप डाउन ओनली में जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों बिडिंग स्ट्रेटजी की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की।
ठीक है। प्लेसमेंट जो होती है ना वो तीन तरह की होती है, ठीक है। पहली होती है टॉप ऑफ सर्च जिसे हम TOS कहते हैं, दूसरी जो होती है उसे हम प्रोडक्ट पेजेस कहते हैं, और जो थर्ड वन है उसे हम कहते हैं रेस्ट ऑफ सर्च, ठीक है। यहाँ शो नहीं हो रही लेकिन शो होती है, जब आप कंपेन क्रिएट कर लेते हो ना तब फिर आप प्लेसमेंट में जाते हो तो वहां पे आपको शो हो रही थी रेस्ट ऑफ सर्च का, ठीक है। तो टॉप ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेजेस और रेस्ट ऑफ सर्च। पहले तो मैं आपको बता दूं कि टॉप ऑफ सर्च क्या, प्रोडक्ट पेजेस क्या है। जैसे कस्टमर जो है वो मार्केट में कुछ भी लिखता है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ केन ओपनर, कस्टमर ने केन ओपनर लिखा, यहाँ पे उसको टॉप पे जो चार एड्स शो हुए ना, अब ये पोजीशन है टॉप ऑफ सर्च की, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है, टॉप ऑफ सर्च की पोजीशन है। उसके बाद आपको मिड में भी ना कुछ स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के ना एड नजर आते हैं, यहाँ पे ये देखना, ये चार एड हो गए। इसके बाद आपको नीचे बॉटम पे चार स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के ना आपको एड नजर आ रहे होते हैं। अब ये जो मिड वाली ये वाले एड, ठीक है, यहाँ ऊपर आ रहे होते हैं, तो जो ये वाले एड होते हैं ना ये होते हैं रेस्ट ऑफ सर्च, ठीक है। जो ऊपर टॉप पे चार एड शो हो रहे हैं वो होते हैं टॉप ऑफ सर्च, बाकी पेज के मिड और पेज के बॉटम पे जो एड हो रहे हैं वो होते हैं रेस्ट ऑफ सर्च, ठीक है। अब जो थर्ड वन है वो है प्रोडक्ट पेजेस। प्रोडक्ट पेजेस में ये है कि जब आप किसी के प्रोडक्ट डिटेल पेज को आप ओपन करते हो या लिस्टिंग को आप ओपन करते हो तो आपको नीचे ना यहाँ पे एड नजर आ रहे होते हैं लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये है प्रोडक्ट पेजेस, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये टॉप ऑफ सर्च किस जगह से होती है, प्रोडक्ट पेजेस किस जगह से होती है, और रेस्ट ऑफ सर्च किस जगह से होती है। अब देखें सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक है ना वो टॉप ऑफ सर्च पे ही होती है, क्योंकि 80 एनालिसिस के मुताबिक जो 60 से 70% जो कस्टमर्स होते हैं वो पेज के ऊपर से ही प्रोडक्ट परचेज करके वो चले जाते हैं, ठीक है। तो टॉप ऑफ सर्च पे जो है वो ट्रैफिक ज्यादा होती है और वहां पे कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट पेजेस पे चांसेस होते हैं, फिर उसके बाद पेज के मिड में या एंड पे, जिसे हम रेस्ट ऑफ सर्च भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि टॉप ऑफ सर्च क्या चीज है, प्रोडक्ट पेजेस क्या चीज है, और रेस्ट ऑफ सर्च क्या चीज है। अब इधर हम इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखें जिस तरह हमने बात की कि टॉप ऑफ सर्च जो है वहां पे ट्रैफिक ज्यादा होती है तो वहां पे कन्वर्जन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब देखें हमें एक बात चीज सामने नजर आ रही है कि हम टॉप पे दिखेंगे हमारी सेल रेशियो ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें अब स्ट्रेटजी ये है कि जब भी आप अपनी कोई मैनुअल कैंपेन चलाएं या आप ऑटो की कैंपेन चलाएं, आपको आप ये सेटिंग लाजमी करें कि मैं टॉप ऑफ सर्च पे शो हूँ। आप अपनी बिड थोड़ी सी कम कर दें, टॉप ऑफ सर्च पे 30% 50% लाजमी कर दें, ठीक है। उससे ये होगा कि अमेजोन आपको टॉप पे दिखाएगा और टॉप पे आपके कन्वर्जन रेट के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे और आपको सेल ज्यादा से ज्यादा आप उठा सकोगे, ठीक है ना, आप कैप्चर कर सकोगे, ठीक है। तो इसका ये फायदा है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट पेजेस है, रेस्ट ऑफ सर्च है। अब इसमें जो है ना ज्यादातर इनका उस वक्त पता चलता है जब हम कैंपेन चला दी हो, 1-2 महीने गुजर गए हो, हम लोग प्लेसमेंट की भी ऑप्टिमाइजेशन करते होते हैं कि मेरी जो एड है वो किस प्लेसमेंट पे जाकर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मुझे पता चला कि मेरे रेस्ट ऑफ मेरे जो है ना टॉप ऑफ सर्च पे मेरे एड जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं उनकी बिड और बढ़ा दूंगा। टॉप ऑफ सर्च पे जो परसेंटेज 50 है इसको मैं 60 कर दूंगा, इसको मैं 70 कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरी जो प्रोडक्ट पेजेस पे जो मेरे एड बहुत अच्छे चल रहे हैं तो मैं वहां पे उसकी परसेंटेज को बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये जो प्लेसमेंट है एडजस्टमेंट, ये भी बहुत बड़ा एक किरदार अदा करती है आपके कॉस्ट को लो डाउन करने के लिए, आपकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए और आपकी सेल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप मजीद इनके साथ आप जरूर प्ले करें, जब भी आप किसी कीवर्ड को टारगेट करें, स्पेशली आप एग्जैक्ट में या ऑटो में, ऑटो की क्लोज में, तो आप टॉप ऑफ सर्च को जरूर टारगेट किया करें, ठीक है। इससे आपकी सेल रेशियो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस पूरे कंसेप्ट की कि बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, कितने तरह की होती है और कौन सी बेस्ट है, और प्लेसमेंट में हम लोग किस तरह प्ले करते हैं, ठीक है। ओके।